सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आ चुके हैं, सभी छात्र जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो नतीजे आ गए। वहीं जो पास परसेंटेज है, जो टॉपर्स हैं, उन सब के नाम आ चुके हैं और दो जो लिस्ट है पास परसेंटेज को लेकर वो लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अगर बात करें पास परसेंटेज को लेकर तो सबसे पहले बता दें पास परसेंटेज तो 83.40% 2019 में 12वीं के हैं। और अगर बात की जाए जो लिस्ट के बारे में, जो 90% से ऊपर की लिस्ट होती है, 95% से ऊपर की लिस्ट होती है, वो चौंकाने वाली है इस बात, क्योंकि जो वैसे टोटल पास परसेंटेज है वो तो बराबर ही रहा है 2017-18-19 के बारे में अगर देखा जाए तो, पर जो 90% अबव की लिस्ट होती है और 95% अबव की लिस्ट होती है, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो दोनों ही लिस्ट हैं ये इस बार 2019 में इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और जो बच्चे जिनका नाम इसमें आया है, जो लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में केवल 36 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम 95% से ऊपर या 95% तक के नंबर में है। और वही 2018 में ये बच्चे 12,737 थे और 2017 में 10,100 बच्चे थे। अगर बात की जाए 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के बारे में तो वो 2019 में केवल 225 हैं और 2018 में ये बच्चे कहाँ 72,599 थे और 2017 में ये बच्चे 63,247 थे। तो इस बात से आप ये देख सकते हैं कि 17, 18 और 19 में कितना अंतर आ चुका है पास परसेंटेज को लेकर। इसी बारे में बात करने के लिए आखिर ये क्या कारण है, हमारे साथ मौजूद है विद्याशंकर तिवारी सर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। तो सर आप बताइए, जो ये पास परसेंटेज जो है ये तो बिल्कुल बराबर रहा है, लेकिन जो ये 90% मार्क और 95% मार्क का जो अबव का है लिस्ट, ये लिस्ट एकदम इसमें इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है कि जैसे कि ऐसा लगता है कि ना के बराबर बच्चे पास हुए हैं। देखिए अब इसे क्या हो रहा था कि पिछले 3-4 सालों में जितने भी बोर्ड हैं इंक्लूडिंग सीबीएसई चूँकि बहुत ज़्यादा स्कूल एफिलिएटेड हैं, तो लिबरल मार्किंग जिसको मॉडरेशन बोलते हैं उस पैटर्न के तहत ये मार्किंग कर रहे थे। और ख़ास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए उसका नतीजा क्या हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं उन्होंने भी इसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया और एक होड़ सी लग गई 99% और 100% गेन करने की। तो उसमें क्या होता था कि इतना ज़्यादा DU पे प्रेशर बढ़ गया कि सब लोग चाहते थे कि DU में एडमिशन मिले। तो बोर्ड से जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री है उसमें भी बातचीत हुई और एक तरह से बोर्ड्स को मैसेज ये दिया गया खासतौर से CBSE को कि इस होड़ से किसी तरह से बाहर निकलना है, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे थे। तो इस मॉडरेशन वाली पॉलिसी से हटना है तो इसमें 2-3 स्टेप CBSE ने लिया। पहला तो अब स्ट्रिक्ट मार्किंग पे आए कि मॉडरेशन से हटिए। दूसरा उन्होंने ये किया कि ये जो इंटरनल चॉइसेज है उसको बढ़ाया, यानी कि बच्चों को ऑप्शन दिया। जहाँ एक तरफ स्ट्रिक्ट हुए मार्किंग को लेकर के, वहीं बच्चों को ऑप्शन दिया कि पहले जहाँ कम क्वेश्चन में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में ऑप्शन होते थे उस ऑप्शन को बढ़ा दिया कि आप इसको अटैम्प्ट कीजिए या इसको अटैम्प्ट कीजिए। और ठीक इसी तरह से कहीं पर क्वेश्चन बढ़ाया है और कहीं पर क्वेश्चन घटाया है। और कुल मिला जुला करके आप लबोलुआ भी इस मार्किंग का ये समझ लीजिए कि ये है कि मार्किंग जो है, जो पहले लगता था कि बहुत कम मेहनत से भी ज़्यादा नंबर आ जाते थे, उसको बोर्ड ने ये साबित किया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जहाँ डिजर्व करते हैं वही है, चाहे वो 75% रखिए चाहे उसको 99% ले जाइए, बात एक ही है। यदि स्ट्रिक्ट मार्किंग कर देंगे तो वो नंबर्स कम हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है, और इससे और बोर्ड्स पर भी, चाहे EP बोर्ड्स हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, जितने भी देश में बोर्ड हैं, जो स्टेट्स के अपने बोर्ड हैं, उन पर भी ये प्रेशर बढ़ेगा कि आप लिबरल मार्किंग और मॉडरेशन से हटिए और एक्चुअल पे आइए। इसको हम स्ट्रिक्ट मार्किंग ना बोल करके एक्चुअल मार्किंग बोले कि जितने के लिए आपने जो भी अटेम्प्ट लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस उतने ही मार्क्स आपको मिलना चाहिए। उसमें कोई दया भाव या लिबरल होकर के लिबरल अप्रोच रखने की जरूरत नहीं। कुछ इस पैटर्न पे काम हुआ है, इसी वजह से इतना घटा है कि कहाँ 12,000 कहाँ 225 या 25 36 पे आ गए। और जो बात आ रही है वो दूसरी बात ये आ रही है कि अब की बार एक चीज़ स्टूडेंट्स की, जो अभी तक अलग अलग स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत हुई है उसमें ये बात आ रही है कि जैसे मान लें कि इंग्लिश का कोर का पेपर है, इंग्लिश कोर में भी इन्होंने कई चेंजेज किया है, तो उसमें बच्चे ये बता रहे हैं कि या तो 60 में हैं वो, यानी कि 61, 62, 63, 65 करके, या फिर वो 90s में है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इतना गैप कैसे हुआ, ये शिकायत आ रही है। और भी कई सब्जेक्ट को लेकर के शिकायत आ रही है कि जैसे फिजिक्स में था, तो फिजिक्स में जो इनके 4 सेट होते हैं तो उस 4 सेट में से 1 सेट टफ था और 3 सेट टफ नहीं था, तो उसमें बच्चे जो है उसको लेकर के भी परेशान है कि टफ वाले के भी वैसी मार्किंग हुई या जो आसान थे उनकी भी हुई। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें पता चल रही है, जैसे जैसे पता चलेगा हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 90 above and 95 above वाली बात है वो यही वजह है क्योंकि एक्चुअल मार्किंग हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने समझ लिया कि आखिर इतनी भारी गिरावट क्यों आई है, 90% से ऊपर और 95% से जो बच्चे छात्र नंबर लेके आते थे उसमें भारी गिरावट इस वजह से आई है। इस बारे में हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपके बीच जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।